थाना नौजील क्षेत्र में शरारती तत्व फिजा बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। विदित हो कि नौजील कस्बे में कल मस्जिद पर किए जा रहे निर्माण को रुकवा कर पुलिस ने मामला शांत कराया था। शनिवार की रात को एक मजार तोड़ दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नौजील थाना क्षेत्र के नौजील गौमत मार्ग पर स्थित चांद साहा की मजार है, जिस पर एक समुदाय के लोगों की भीड़ देखी जाती है और क्षेत्र में मान्यता भी बताई जाती है, लेकिन बीती रात शरारती तत्वों ने इस मजार को तोड़ दिया। इसकी जानकारी सुबह जब समुदाय विशेष के लोगों को हुई तो उन्होंने इलाका पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ मांत नेत्रपाल सिंह, इंस्पेक्टर नौजील प्रदीप यादव फोर्स के साथ पहुंच गए, जहां समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। वहीं क्षतिग्रस्त हुई मजार को सही करा दिया गया। कमेटी अध्यक्ष शमसुल हसन ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा क्षेत्र की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गयी थी, जिसमे पुलिस और संभ्रांत लोगों की सूझबूझ की वजह से मामला शांत हो गया। फिलहाल मौके पर शांति है। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि किसी अराजक तत्व ने एक मजार की दीवार के साथ कुछ तोड़फोड़ की थी। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, जांच की जा रही है, तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुल हसन है, कस्बे से ही कमेटी अध्यक्ष भी हूँ। बताइए क्या बात हुई आपको? ये रात कुछ अराजक तत्वों द्वारा मजार का सरियाना जो तोड़ दिया गया, जी ऐसे बेअकलों की वजह से ही गांव के माहौल खराब हो जाए, हम ये नहीं चाहते हैं। जिसको ले हमें जब सुबह सूचना मिली कि मजार की जो मीनार तकिया तोड़ दिया है, तो तुरंत हमने पुलिस को सूचना दी, जिससे हमारे स्पेक्टर साहब भी आ गए, सीओ साहब भी आ गए। उन्होंने तुरंत जो ऐसे रिक्वायर करा के कि अब कोई दिक्कत नहीं है, बात करता हूँ। सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ सही है, कोई दिक्कत। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि धार्मिक भावना या धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई है? हाँ, इस तरीके के कुछ लोग होते हैं बेअकल, जो इस तरीके की सोच विचार के होते हैं, हम उसमें कोई आस्था न रखें। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है तहसीन खान। कहाँ के निवासी हो? नौजील। ये जो मजार पे आज आए हो आप, क्या 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 मामला है? कोई मामला नहीं है, ये मजार किसी ने क्या करा है, थोड़ा तोड़ फोड़ कर दिया इसमें, तो हमको सूचना मिली जी कि भाई इस तरीके से मजार को जो मतलब सरियाना किसी ने तोड़ दिया है। सूचना मिली, हमने हमारे जो कमेटी के अध्यक्ष हैं शमसुल हसन, उनको सूचना दी जी। सूचना मिलते ही हम दोनों जने, मैं कमेटी से संगठन मंत्री हूँ जी, दोनों जने यहाँ पर आए, आकर के हमने देखा मौके पर, तो जो खड़ा हुआ था तो हमने पुलिस को सूचना की है, पुलिस आई, पुलिस के सहयोग से उसको मरम्मत करवा दिया गया है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत वाली नहीं। अब इसे कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं इसे तोड़ने वाले? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन लोग हैं, क्योंकि हम ये देख नहीं पाए, रात में किया है ये काम, 9 बजे किया है, 10 बजे किया है, इसका हम कुछ पूरे तरीके से बता नहीं सकते हैं। जो करने वाले हैं उन्होंने जो करा है गलत, उनको उनका अंजाम तो इलाका पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस आई है मौके पर? हाँ, पुलिस आई थी, हमारे सीओ साहब भी आ चुके हैं यहाँ के जी, और जो हमारे नौजील प्रभारी हैं वो भी आ चुके हैं जी। तो क्या कोई आपने कोई कार्रवाई के लिए कोई तहरीर वहरीर दी किसी को? नहीं, हमने अब किसी को कार्रवाई करने के लिए कोई अनुमति या कोई भी तहरीर वगैरह अभी नहीं दी। इस मजार पे ये जो तोड़फोड़ हुई है, ये पहला मामला है कि इससे पहले भी हो चुका है कभी? इससे पहले 2 बार और हो चुका था, करीब करीब 4-5 साल से हो गई इन बातों को। तो कोई कार्रवाई के लिए? हाँ, उसमें कार्रवाई हुई थी। क्या कौन लोग थे? अब जिसको हम नहीं कह सकते कि कौन लोग थे, उन्होंने कार्रवाई, हमने कार्रवाई लिखवाई थी, पुलिस ने किसको उठाया क्या करा वो पुलिस का काम था, वो हमारा काम। आपको जानकारी नहीं हुई? नहीं।